नमस्कार, जय हिंद। आई थिंक टुडेज ऑल दिस वीडियो इज अबाउट पलक, हु इज अबाउट टू ज्वाइन एनडीए। अभी इसका कॉल लेटर आ गया है पलक, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है पलक, जर्नी हैज़ बीन वेरी डिफरेंट इन दिस वे। शी स्टार्टेड लॉन्ग बैक, एंड कई बार बच्चों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो है, यू नो, घर में काम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, या फिर यू नो सम टाइम हेजिटेशन है, ये है। पलक स्टार्टेड आई थिंक 1 ईयर बैक व्हेन शी केम हियर, शी गॉट ट्वाइस स्क्रीन आउट, एंड थर्ड टाइम शी नॉट ओनली गॉट क्लियर बट शी गॉट यू नो मैरिट इन। नाउ शी गॉट द लेटर, गॉट सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इन SSB, राइट? वेरी गुड मार्क्स इन SSB एज वेल। एंड आई थिंक शी इज़ द गर्ल हु डू ऑल द वर्क, जो भी आप सोच सकते हो घर पे, जितना भी काम है, चाहे घर का संभालने का है, खेत का है ना, जानवरों का है, डोमेस्टिक हेल्प है, मदर का, भाई का, है ना, मतलब नॉट द वो बदला लेगा, बट इज लाइक वर्क इज शी डूइंग, आई एम सो प्राउड ऑन हर बिकॉज द वे शी हैज़ चेंज हर जर्नी कम्प्लीटली। इनफैक्ट कई बार जब आपको उम्मीद नहीं होती ना, तब ऐसा हो जाए तो आई थिंक इफ आई रिमेंबर दिस टाइम पलक वॉज नॉट इवन इन द मूड टू गो इनिशियली। वो तो रिटर्न आर मदर पुश्डर की रिटर्न तो दे दे इस बार भी, एंड फॉर SSB आई थिंक वैन वी गिव ए कॉल की क्या कर रही है, मतलब सब पता नहीं, एंड देन वी यू हैव टू कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। पलक यू शेयर फर्स्ट और योर जर्नी बी नो। मैंने LWS के रिटर्न से शुरू किया था। मेरा भाई ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस आउट था, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि NDA अच्छा है, ट्राई कर। अब तो ओपन भी हो गया, लड़कियों के लिए डिफेंस बहुत अच्छा है। तो उसने मुझे रिटर्न के लिए कहा, और उसी ने खुद कोचिंग ढूंढी LWS मेरे लिए। मैंने रिटर्न के लिए यहाँ से 6 महीने की प्रिपरेशन की, देन आई गॉट गुड मार्क्स इन रिटर्न। बट उस टाइम जब मैं SSB के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन पे आई, तो समहाउ पता नहीं क्या दिक्कत रही उस टाइम, मैं स्क्रीन आउट हो गई थी। देन अगेन मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए आई, मेरी नेवी टेक एंट्री थी JEE मेंस के बेसिस पे, उसमें भी मैं फिर से स्क्रीन आउट हो गई थी। तो पूरा एक डीमोटिवेशन हो गया था कि नहीं, अब नहीं होगा, 2 स्क्रीन आउट हो गए, अब नहीं होगा कुछ। फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मैंने रिटर्न फिर से क्लियर किया। तो रिटर्न में इस बार कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तो बस क्लियर ही हुआ था, कुछ अच्छे नंबर नहीं आए थे। नंबर तो नया के बहुत कम आए अब भी 343 आए हैं। फिर सर की कॉल आई जब SSB की डेट्स आई कि कहाँ पे है, कब आएगी। तो मैंने कहा सर अभी तो कुछ नहीं पता। फिर सर ने कहा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे आ जाओ। तो मैं दिसंबर में फिर से यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने फिर तैयारी की, फिर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ध्यान रही। मेनली सर कहते थे मैं स्माइल नहीं करती, स्ट्रेस में रहती हूँ, इसके लिए मुझे आज भी ध्यान है। सर ने मुझे कहा था कि मैं तेरे को सबके सामने मुर्गा बना दूंगा, तो वो बेस्ट था, उसके कारण मेरे हरदम स्माइल रहती थी। फिर फाइनली मैं 3 जनवरी को 22 SSB भोपाल से स्क्रीन इन हो गई थी। तो आई थिंक कि वो स्क्रीन इन का बैरियर जब खत्म हुआ, उसके बाद काफ़ी लेवल हाई होता गया, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, तो स्टेज 2 में दिक्कत नहीं आई। और स्क्रीन इन में मैं स्पेशल थैंक्स विकास सर को दूंगी और मेरी मम्मी को दूंगी, उन्होंने काफ़ी मदद की थी। लाइक मैं उनको पूरा SSB प्रोसेस समझा चुकी थी, ऐसे होता है और मैं इस कारण से आउट होती हूँ। तो मेरी मम्मी ने एज एन ऑफिसर, वो ऑफिसर नहीं है बट स्टिल शी ट्रेन मी वेरी वेल। आई टेल यू, हर मदर केम एंड से कि सर ये पता नहीं क्या देखती है, बोलती है कि सबको फेस करना है, तो वैसे मुर्गे की तरह बस ऐसे ऐसे करती रहती है, कोई किसी को देख नहीं रही, आई कॉन्टेक्ट नहीं, हाँ पंखे की तरह, मतलब पंखे की तरह ऐसे घूमती रहती है। बट दिस इज हाउ यू गो हैड, बट अगेन दिस इज जर्नी ऑफ एवरी वन इंडिविजुअल। बट पलक यू टेल मी कि ओके यू गॉट मोटिवेटेड बिकॉज आफ्टर सीइंग योर ब्रदर, हिन ही टोल्ड यू कि यू कैन प्रिपेयर, यू केम हेयर एंड ऑल पॉजिटिव, तो सबको पता है। विच ऑल योर द यू नो डाउन फेज ऑफ योर लाइफ एंड यू फेल्ट कि यार मैं स्टेज 1 से नहीं, पहले हम रिटर्न से बात करते हैं, वैन यू सेड कि शायद ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या आई एम बी एबल टू अचीव, बिकॉज यू वर्क गुड इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मार्क्स। ठीक है, रिटर्न में सब अच्छे आते थे मार्क्स में, रिटर्न इन द सेंस की सब्जेक्ट वाइज वर गुड मार्क्स इन ऑल, बट स्टिल एक होता है ना कि जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, अलग लेवल पे जाता है तैयारी, और इतने सारे भीड़ में कई बार वो बहुत लंबा फेज है जर्नी का, कई बार डीमोटिवेशन, फिर वापस मोटिवेशन, या कई बार लगता है कि नहीं हो रहा है अभी, इतने टाइम तक इसमें लगे रहना है, इसके अलावा कुछ भी करना है, तो वो फेज कैसा था? मैंने अक्टूबर के अंदर LWS जब ज्वाइन किया था, तो मुझे ये पता था कि मैथ्स तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, JEE की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैथ्स मेरी अच्छी थी। बट जो GAT वाला पार्ट था वो बहुत ही, मान लो बिल्कुल ही ख़राब था। मैंने सुमित सर से कहा कि सर मेरे से जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल याद नहीं होती, मैं क्या करूँ। इवन मैं काफ़ी बार जब पेपर जनवरी के टाइम, तो मैं सर के पास जाके रोने लग जाती थी कि सर मेरे से याद ही नहीं हो रहा, मेरे नंबर भी नहीं आ रहे GAT में। और बीच बीच में मैथ्स काफ़ी हाई जाता था, लेकिन GAT उतना ही डाउन जाता जा रहा था।
फिर सर ने मुझे कहा कि जो तुझे अच्छा लगता है जैसे याद हो रहा है धीरे धीरे चीजें एक बार रिवाइज करती रहे, किसी और को समझा के देख ले, इससे याद होगा। बीच में मेरे मुझे याद है मेरे जीएटी में बिल्कुल लो स्कोर चल रहा था, तब मैंने मेरी मम्मी से कहा, तो मम्मी कहती है कि तेरे मैथ्स में भी अच्छे नहीं आ रहे, हेंस मेरे 162 मार्क्स आते थे मॉक्स में, फिर भी मेरी मम्मी कहती थी ये भी अच्छे नहीं है, 200 नंबर तो चाहिए चाहिए, क्योंकि जीएटी बहुत ही खराब था, वहाँ पे अप डाउन चल रहा था। दोस्त मैं जो मेरे फ्रेंड्स थे LWS रिटर्न में, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया था, मैंने भी उनको सपोर्ट किया, उनकी जीएस पार्ट अच्छा था, मेरा मैथ्स अच्छा था, तो बस एक दूसरे की हेल्प करते करते आखिर में रिटर्न तो निकल गया था। बट उसके बाद फिर से वही स्ट्रगल, जब स्क्रीन आउट हुआ कि फिर रिटर्न की करो, और फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी जीएटी फिर से खराब थी, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया था मैंने। अरे द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ प्रिपेयर्ड यू आर नाउ फॉर NDA। ठीक है, इतना वेट तो किया यार, बच्चा बोलता भी है, लेकिन व्हेन वी से प्रिपरेशन फॉर NDA, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू नो क्या फिजिकली फिट हो। फिजिकली तो आई थिंक यू गेनिंग वेट नाउ कॉन्टिन्यूसली, अंडर वेट थी पहले ये, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मेंटल यू नो प्रेशर, बिकॉज यू नो कि इट इज़ जर्नी इज़ नॉट एवन ईजी जर्नी। कई बार मन में आता है कि यार क्यों इस सब सारी मेहनत इस सब के लिए किया। हाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड है, तो उन्होंने मुझे आर्मी लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छा बता रखा है कि वो जितनी आसान दिखती है वो उतनी आसान नहीं होती, वी ऑल नीड टू सफर फ्रॉम वेरियस थिंग्स। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं कर लूँगी। अभी इनिशियली मैंने आफ्टर मैरिटी मैंने रनिंग भी शुरू की, तो मेरे फिर शिन पेन हुआ, तब तो फील हुआ कि मैं ये सब सिर्फ इसके लिए कर रही हूँ कि पैरों में भी दर्द होगा, हाथों में भी दर्द होगा, और इतनी मेहनत भी की है। बट पता है जब मेहनत की है तो NDA भी कर लेंगे, वहाँ पे जाके सब अच्छा ही होगा। दैट इज राइट एंड इज हाउ यू शुड बी। द मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। अब पलक, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग आउट द बेसिक इनसाइट ऑफ योर यू नो जर्नी एट होम। हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व, बिकॉज वैन वी सी ए कैंडिडेट, वी सी ए कैंडिडेट टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना काम सही से करो, घर को कैसे समझते हो। वुड लाइक टू टेल दिस व्यूअर्स, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि सिर्फ ऐसे नहीं कि टेबल चेयर पर बैठ के ही पढ़ाई होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैं पूरी फैसिलिटीज दूँ तो ही आप कर सकते हो। आप देर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो घर में गेस्ट आएगा तो एक ग्लास पानी का भी नहीं दे सकते, यानी कि सेइंग कि इतना नहीं है। तो वो बताए कि विच ऑल वर्क यू एक्चुअली डू एट होम। एक्चुअली पापा आर्मी में रहे हैं, तो घर पे मैं कभी पापा के साथ कैंटेरिया में बहुत कम रही हूँ, मैं यूजुअली घर पे ही रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी पूरी खेती करती है लाइक एज ए फार्मर। तो पापा तो आर्मी में थे और मम्मी पूरी फार्मिंग में थी, तो बचपन से मैं और भाई क्लास सेकंड से हम दोनों खेत में जाते हैं और पूरा काम करते थे। भाई बड़ा था एक्चुअल में, वो ज़्यादा करता था, बट थोड़ा थोड़ा मैं भी करती थी। फिर मम्मी हरदम से डोमेस्टिक एनिमल्स रखती है हमारे घर पे, हम दूध भी रखते हैं, दूध देते भी हैं लोगों को और खुद के लिए भी रखते हैं। तो जब मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, या यूजुअली अभी भी मैं मैरिट रिकमेंड होने के बाद भी खेत का काम करती हूँ, मैंने पूरे गेहूं कटवाए हैं और उसके बाद सरसों भी कटवाई थी, और अभी फिलहाल भी जैसे गर्मियों का टाइम है तो मम्मी भैंस के लिए चारा लाती है, तो मम्मी कहती है मशीन से नहीं काटूंगी, तू हाथ से काटेगी, तेरे हाथ भी स्ट्रोंग हो जाएंगे इससे और मेरा फायदा भी हो जाएगा। तो मैंने घर पे हर काम किया है, लाइक पूरा खेत का, पूरा घर का, पूरा जानवरों का, हर काम करती थी। और पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, मैं फुल पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी रही है, मेरी 10th 12th की परसेंटेज भी काफ़ी ठीक ठाक रही है, मैंने JEE भी निकाल लिया था, तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करो। यस सर, आई गॉट 94.85% इन माई JEE मेन्स। सो इट वॉज लाइक कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओनली बी अ पार्ट ऑफ अकेडमिक, वी नीड टू डू एवरी वर्क टाइम टू टाइम, इट नॉट ओनली मेक यू फिजिकली फिट ऑल्सो मेंटली स्ट्रॉन्ग। डेट कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा परेशान करे, खेत में बहुत परेशान होता है, सुबह सुबह 6 बजे मम्मी लेके जाएगी, 12 बजे लेके आएगी, तो वो काफ़ी परेशान करते हैं धूप में भी, बट उससे कुछ नहीं होता। एक तो हम टफ बनते हैं और एक हमारी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे क्रिएटिविटी भी बहुत इंक्रीज होती है। खेत में हम देखते हैं लोग, पता नहीं गाँवों के लोग क्या 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 बना देते हैं और उसको यूज़ करने लग जाते हैं, तो उससे क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। एंड लाइक माई मदर ऑल्सो डू टेलरिंग, उससे मैंने मेरी एक हॉबी बना ली फैशन डिज़ाइनिंग। मैं जो वेस्ट मटीरियल्स थे, वेस्ट क्लोथ थे, उनको रीयूज करके कुछ नया बना के और पहन लेती थी, तो ये भी मैंने सीखा। लॉकडाउन लगा था बीच में, तो उसमें मैंने कुकिंग भी सीख ली, मतलब हर चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, सारे काम है, खाना बनाना, कपड़े सिलना, भैंसों का देखना, खेतों में जाना, एंड नो डिस्पाइट दिस एंड यू नो फ्यू डेज बैक आई जैसे कॉल की बेटा क्या कर रही है तू, अब तो तेरी मैरिट रेट आने वाली है। बोले हाँ, मतलब तब तक पता लग गया था आई थिंक यू नो उस टाइम पे कि मेरिट में इतना है, मेरिट आ चुका तो मुझे पता कि अब तो जाने वाली है, एंड शी वॉज ऑल्सो श्योर। सो मतलब यू नो दे एनश्योर्ड कि जाने से पहले से घर की कटाई जल्दी से सारी कटाई हो जाए, सारा खेत का काम खत्म हो जाए।
कहा पलक अभी क्या कह रहे, बोले सर अभी तो भैंसों को नहला रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या है। तो आई मीन डेट वे एंड हाउ ए कैंडिडेट गेट इन्वॉल्व, इट इज़ नॉट कि कि जस्ट आप एक चीज़ कर रहे हो, आपका पर्सनैलिटी किसी काम से नहीं खराब होता है, आपको हर फैक्टर में जाना है। एंड वाइल डूइंग वर्क यू कैन ऑल्सो कीप थिंकिंग कि पढ़ाई के बारे में, मे बी यूर डूइंग रिविजन एंड ऑल, आप काम करते करते सोच सकते हो, है ना, और भी बहुत सारा। फिर एक प्रेशर ही बनता है कि अरे काम कर लिया तो अब थोड़ी देर पढ़ना भी है, तो बहुत अच्छा है। देन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी। इनफैक्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट नॉट ओनली यू योर पेरेंट्स बट ऑफकोर्स योर ब्रदर इज ऑल्सो बीन, ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माई फर्स्ट बैच, सो दैट्स वाई वेरी क्लोज टू मी एंड आई कीप सेइंग हिज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड आई एम श्योर ही ऑल्सो मेक इट अप, यू नो इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट ही विल कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर द सेम। लेकिन एक वो रहता है ना कि जो अपना बच्चा है जब वो जा रहा, जब आता है, मतलब यू फील हैप्पी व्हेन इट इज गोइंग, बट यू ऑल्सो फील सैड नाउ योर किड्स आर गोइंग टू सम प्लेस एल्स, बट यू नो नन द लेस ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई एम श्योर यू डू गुड इन एनडीए विद द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड। थैंक यू सर, आपने बहुत सपोर्ट किया सर, हर टाइम आपकी सपोर्ट थी मेरे साथ। एंड आई थिंक यू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ स्माइल देयर। ओके चलो।